पश्चिम बंगाल में जिन जिन चरणों में मतदान हुआ है सिर्फ और सिर्फ बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बीजेपी नेता हिरेन चटर्जी को रोका गया है। प्रदर्शनकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ये बता रहा है कि आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज के दम पर मतदान हासिल करने की कोशिशें होंगी। सलोनी तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही है स्थिति क्या है। और पश्चिम बंगाल में तस्वीरें ऐसा लगता है कि हर चुनाव में आम हो गई हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो हिंसा की खबर बार बार पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा सामने आती है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, काफिले को तो रोका ही गया है, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती के बावजूद आगजनी की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का उपद्रव यहाँ मचा है। घाटल पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ वोटिंग चल रही है और इस बीच जोरदार हंगामा लगातार जारी है और हर चुनाव की यही तस्वीर होती है। आखिर सबसे ज्यादा उपद्रव, सबसे ज्यादा बवाल क्यों पश्चिम बंगाल में होता है हर चुनाव से पहले, यह सबसे बड़ा सवाल है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान बवाल की, आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी आप देख रहे हैं। सड़क पर आगजनी तक की नौबत आ गई, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आरोप लगते हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया और उसके बाद गुस्सा कुछ इस तरह फूटता है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं। देखिए ये आगजनी की गई है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने बीजेपी के नेता को रोका पहले, उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके बाद आगजनी करना शुरू कर दिया। घाटल इलाका है।